आज हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं वो बिलाशुबा इल्म की दुनिया है, लेकिन इल्म की अहमियत से पूरी तरह आशना होने के बावजूद आज भी खवातीन पर तालीम के दरवाजे पूरी तरह नहीं खुल सके। सुबह पंजाब में इस वक्त खवातीन में ख्वानगी की शरह 48% है। इसमें ऐसी खवातीन भी शामिल हैं जो महज नाम लिखने या अखबार पढ़ने की काबिलियत रखती हैं। शहरी इलाकों में खवातीन में तालीम का तनासुब 54% है, जबकि दही इलाकों में 32%। जनूबी पंजाब के दही इलाकों में तो ये शरह बमुश्किल 15% है। जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के, वो बड़े स्टार्टलिंग है, बिकॉज ऑन ऑल द प्लेसेस जिन बच्चियों को चांस मिला है टू गो टू स्कूल, दे हैव एक्सेल्ड ओवर बॉयज एंड द रिजल्ट्स आर मच बेटर। पंजाब मुल्क का वाहिद सूबा है जहां ख्वानगी का अलग महकमा मौजूद है। हुकूमत की जानिब से ड्रॉप आउट रेट को कम करने और ख्वातीन को तालीम की जानिब रागब करने के लिए कई इलाकों में वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद 40% लड़कियां स्कूल का फासला महज आधा किलोमीटर ज्यादा होने के बायस तालीम छोड़ देती हैं। समाजी रवैये और गुर्बत भी बड़ी तादाद को स्कूल से दूर रखे हुए हैं। हर औरत को साथ में लिटरेट बनाने के साथ साथ हम उसे कोई लाइफ स्किल्स दें, कोई अर्निंग स्किल्स दें, हम उसको इकोनॉमिकली एम्पावर करें। जैसे वो इकोनॉमिकली एम्पावर होगी और वो कमाना शुरू कर देगी, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हर लिटरेसी। बढ़ती हुई आबादी भी ख्वानगी की शरह में इजाफा नहीं होने दे रही। 2015 तक स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद में 10% इजाफा मतवक्के है, लेकिन स्कूलों में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं। ये बात साबित हो चुकी है कि वो माशरे जहाँ खवातीन में शरह ख्वानदगी बेहतर है, उन्होंने तरक्की की मनाजिल ज्यादा तेजी से तय की है। कैमरामैन मुमताज खोखर के साथ शुमाइला जाफरी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।